हेलो दोस्तों, आज गणित क्लासेस में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं सीवीटी 2 का सेट नंबर 3। ठीक है, हम लोग आज सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए, ओके, कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। समझ रहे हैं? देखिए, थोड़ा सुन नहीं दिख रहा, इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर आप लोग का स्क्रीन पे है, बनाइए। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, बोलिए। तो बोलिएगा 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से कितना किलोमीटर दूर करेगा। तो 15 × 15 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, और एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो पुल की लंबाई बताना है, इतना दूरी पार करेगा। इसमें जो पार किया कितना, 225, इसमें 90 मीटर एक ट्रेन है, तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा, 135 मीटर। कोई दिक्कत किन्हीं को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। 15 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, तो 15 सेकंड में कितना दूरी पार करेगा, 225। ठीक है, और 225 में 90 मीटर का ट्रेन है, तो 135 मीटर लंबा पुल है। कोई दिक्कत, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 मतलब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे कुछ है, 3 घंटे चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे चलता है, बताइए। ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया समय बनाइए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी वापस आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर। ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बनाइए। चार किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मींस एक घंटा में 4 किलोमीटर, तो 3 घंटा में कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत, यहां हो जाएगा 12 किलोमीटर गया और 16 किलोमीटर आया। ठीक है, और क्या पूछा गया, मिनट में है तो 60 से गुना कर दीजिए। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45। कोई दिक्कत, 45 मिनट, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। 45 मिनट, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, ठीक है, तो 3 घंटा में 12 किलोमीटर चलेगा और आ रहा है वापस 16 किलोमीटर थी से, क्या, प्रति घंटा से, तो 12 किलोमीटर से गया, 16 किलोमीटर से आ रहा है, निकाल दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 48 नंबर में दिया गया आप लोगों को किसी संख्या का 2/3। देखिए, दिख रहा है, यहां से मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को हटाइए। किसी संख्या का 2/3, मान लिए x का 2/3 का 1/4 = 100 है। ठीक है, यहाँ 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 50 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 600 मेरा आंसर। कोई दिक्कत किन्हीं को बोलिए। क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोग का किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 49 बनाइए, 49 नंबर बनाइए, आप लोग का समय दिया जाता है 30 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसको जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बोला गया
टैन थीटा मतलब साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा बोलिए, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो पूछा गया क्या, टैन थीटा मतलब टैन 60 का मान बताइए क्या हो जाएगा, रूट थ्री। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में तो बोलिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बनाइए। भाई साहब क्या हो गया, चलिए एक वस्तु को 3735 रुपए पर एक दुकान को 10% की हानि हुई, 10% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, मतलब कि यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3735 रुपए है ना, बेचने पर उसको कितना हानि हुआ बोलिएगा, 10% का, 10% का हानि मतलब 90 में, वो लेना चाहता है 10% प्रॉफिट मतलब कि 110 में वो बेचेगा। कोई दिक्कत, एक शून्य से एक शून्य कट गया, काटिए इसको, 9 से काटिएगा कितना बार में, 9 चौका 36, 9 इकाई 9, 9 पच्चे 45। कोई दिक्कत, लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा जो बताइए, गुना करके देखिए ना कितना, 415 गुने 11 बोलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना, 45-65 मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 51 नंबर बनाइए। 20 निरीक्षणों द्वारा अंक गणितीय में माध्य 15.5 है, बाद में यह पता चला कि निरीक्षण गलती से 24 की जगह 42 पढ़ दिया, ठीक है, तो वास्तविक माध्य क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए आप लोग बनाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाए हैं, पढ़ा चुका हूं मैं, बोला गया 20 प्रश्नों का माध्य 15.5 है, ठीक है, मतलब कि 20 प्रश्न का माध्य कितना था, 15.5, ठीक है, गलती से पता चला हमको कि 24 की जगह 42 पढ़ लिए, मतलब कि 18 ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत, 18 ज्यादा हो रहा है जी, बोलिए 18 ज्यादा हो रहा है, तो 18 ज्यादा जो हो रहा है वो कितना ज्यादा बटा होगा, तो बोलिएगा 20 में बटा होगा। कोई दिक्कत, बोलिए 18 डिवाइड 20 की जगह कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा 0.9, मतलब 0.9 बार में कटेगा, तो 15.5 में से 0.9 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 14.4। कोई दिक्कत, या फिर 14.6 हो जाएगा, बोलेगा 14.6 हो जाएगा, यही तो मैं देख रहा था आप लोगों को क्या सही बनाते हैं आप लोग जो। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग का सी मैच कर रहा होगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 बनाइए। बोला गया है उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज को 8% वार्षिक 9 महीना के लिए 1000 रुपये हो, ठीक है, चलिए देखिएगा, चलिए 8% के दर से 9 महीना मतलब 9/12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, मतलब 6% हमको ब्याज मिल रहा होगा, टोटल हम मेरे को मिलना चाहिए कितना, 100
इसमें 6% और एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, मतलब 106% मिला होगा हमको, जो किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। 106% गुणे 100, चलिए बताइए कितना होगा। कैसे मैं बताया हूँ जो पता चल रहा है, मेरा ब्याज मिलेगा मात्र 6%, ठीक है, मतलब ब्याज हमको टोटल 6% मिलेगा जितना अमाउंट रहेगा उसका, ठीक है, और मिल रहा है कितना, पूरा 1000 रुपये हो जाता है, 1000 रुपये हो जाता है, मतलब कि 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा हमको जो मूलधन है, उसके ऊपर से 6 रुपये और ब्याज भी मिल रहा है, तो ब्याज मिला के 1000 रुपये, 1000 का तुलना 106 से, ठीक है, गुना 100 कर दीजिए, 1000 का तुलना 6 से गुना 100 कीजिए, कितना होगा, बोलिए बोलिए कितना हो जाएगा, 1000 का तुलना 106 से तो कितना हो जाएगा, 943.39, 943.40, ऑप्शन नंबर मेरा ए जवाब सही है, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, आवाज क्लियर जा रही है, चलिए बनाइए, चलिए देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट का समय देता हूं मैं, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए पूछा गया क्या, 5 लीटर के चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है, चलिए 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, चलिए बनाइए। किस प्रकार से बनेगा इसको ट्राई कीजिए, एक सेकेंड देखिएगा, एक बार ट्राई कर रहा हूं मैं भी नहीं जानता इस क्वेश्चन को, पहला बार ट्राई करूंगा। 5 लीटर मान लिए कोई चीज है, 5 कोई चीज है, ठीक है, सपोज 5 है, इसका 6% मेरे पास चीनी है, मतलब 0.3 चीनी है, कोई दिक्कत, 0.3 मेरे पास चीनी है, कोई दिक्कत, तो मेरे पास पानी कितना होगा, बोलिए पानी हो जाएगा मेरे पास 4.7, कोई दिक्कत, इसको जब गर्म किए तो 1 लीटर पानी हो जाता है, मतलब हो जाता है 3.7, कोई दिक्कत, ठीक है, तो शेष मिश्रण में चीनी का मात्रा बताइए, चलिए शेष मिश्रण में चीनी तो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा 0.3, कोई दिक्कत, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 × 100, बोलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 7.5%, चलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक सेकंड में आंसर मिला लेता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं तो देखिएगा, आंसर देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी इसको चेक नहीं किया हूँ, कभी आज तक बनाया नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना छोटे, 53, चलिए सही जवाब है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, इस क्वेश्चन समझने में किन्हीं कोई दिक्कत, कितना मैं शॉर्ट मेथड बताया हूं आप लोग को, कोई चीज अपने आप में मान लिए 5 है मेरे पास, ठीक है, और इसका जो 6% है मेरे पास चीनी है, तो मतलब कि 0.3 मेरे पास हो गया क्या, शुगर, इतना शुगर है, 5 में से जब इतना घटा देंगे तो इतना मेरे पास बाटर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोला गया इसको गर्म किया गया हीटर पे, गर्म करने पे जब गर्म किए तो 1 लीटर उड़ गया, तो बचा कितना मेरे पास, 3.7 मेरे पास बचा, कोई दिक्कत, यहाँ चीनी कितना था, चीनी 0.3 था मेरे पास, ठीक है, चीनी का पूछा गया, ये हो गया कितना, शुगर हो गया, चीनी का प्रतिशतता पूछा गया है, तो 0.3 मेरे पास चीनी है, टोटल कितना, 4 में से तो हो गया 75%, मतलब 7.5% मेरे पास चीनी है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, 54 नंबर बनाइए, क्वेश्चन में बहुत अच्छा ट्रिक लगेगा, जो आप लोग समझिएगा तो बना पाइएगा, वरना नहीं बनेगा।
सुन रहे हैं? क्वेश्चन को बनाइए, इसमें कोई बड़ा उलूल जुलूल मेथड नहीं है, सिर्फ छोटा सा मेथड लगेगा इसमें, आप लोग को ध्यान देना है, इसमें एक चीज का यूज नहीं है कहीं पे, ठीक है? देखिए बोला गया क्या, ए प्लस बी का वेतन का योग है मेरे पास 25,000, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोला गया अपने वेतन का 75% खर्च कर दिया, ठीक है? 75% जो खर्च कर दिया वो तो दोनों खर्च किया होगा, कोई दिक्कत? 75% का हम कोई यूज नहीं करेंगे, 75% साइड कर दीजिए, बाकी बचत जो रहेगा इतना का अनुपात में ही रहेगा। तो 25,000 का जो बचत है, 25 की तुलना 25 से गुना एक बार हो जाएगा 14 से, एक बार हो जाएगा 11 से, मतलब हो जाएगा आंसर एक बार 14,000 एक का मान है, एक का मान कितना 11,000, यही मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? 25% इसलिए साइड हुआ कि दोनों समान वेतन मिल रहा था और दोनों अपना आपका 75% खर्च किया, ठीक है? तो बचाएगा 25%, बस वही है। बचत का अनुपात दिया है कितना, 14:11 में, आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? क्लियर दिख रहा है ना जी? चलिए क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर बनाइए, में क्या बोला गया देखिएगा आप लोग, 55 नंबर बनाइए। चलिए ट्राई कीजिएगा। 10 मैन किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है? एक नहर को खुदाई करता है, और यदि 15 पुरुष करने के लिए कितना समय लगेगा? 15 पुरुष कितना समय लगेगा? मैन से मैन कट गया, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ठीक है? मतलब कि 16/3 दिन मेरे पास आंसर, ठीक है? बोलिए ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर पर आइए।56 नंबर आप लोग से बन गया होगा, देखिएगा क्या दिया हुआ है। बोला गया है 3, 6, 7 x 11 15 19 20 25 28, ठीक है? आरोही क्रम में दिया गया, और क्या है उनकी माध्य, माध्य मतलब 15 है, माध्य इक्वल टू 15, टोटल टर्म कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 टर्म है, तो इसका योग क्या हो जाएगा 15 × 10 = 150, ठीक है? अब आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? चलिए देखिएगा कि x का मान क्या होगा, इसका हो गया 150, x का मान आपको निकालना है, टोटल जोड़कर इससे घटा देना, ठीक है? यहाँ 25 है, 25 और 15 कितना हो जाएगा बोलिए, 40, यहाँ हो गया 40 और ये हो जाएगा कितना 30, कोई दिक्कत? 70, ठीक ना? 70 हो गया, 70 7 6 13 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 3 16,
16 20 36 36 और 28 कितना हो जाएगा, 36 और 28 बोलिए कितना हो जाएगा, 36 प्लस 28 64, ठीक है, 64 प्लस 70 134, मतलब कि 150 माइनस 134 कीजिएगा कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा कितना 16, यही आंसर हो गया मेरा। कोई दिक्कत किन्हीं को, किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट 57 में बनाइए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बाय ऑप्शन बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर बहुत देरी में बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बेसिस कुछ क्वेश्चन होता है कि जल्दी बनता है, वरना बहुत लंबा चला जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, दो अंकों की दो संख्याएं का गुणनफल, मतलब टू डिजिट का है उसका गुणनफल जो है, ठीक है, 2160 है। कोई दिक्कत, देखिए हम जान रहे हैं किसका क्यूब होता है 216, बोलिए 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब को वैसे लिख सकते हैं 36 × 6, कोई दिक्कत, तो एक होता दो अंक आ रहा था, एक और दो अंक लगा देंगे कितना हो जाएगा, बोलिए 36 × 60। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 198 और 78 का एचसीएफ बनाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बताइए, बोलिएगा कि 78 तो सिर्फ एक से कट रहा है, बोलिएगा 6 से, 13 × 6 = 78, 6 × 18 = 18, मतलब 33 बार में। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 60 नंबर बनाइए। क्या बोला गया, चलिए 60 नंबर में बोला गया 22 + 5 = 3, कोई दिक्कत। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग, चलिए इसको यहाँ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम नीचे हो जाएगा 15, यहाँ 5 × 5 + 3 × 6 = 3, यहाँ हो जाएगा 5 × 3 = 8, 8 × 5 + 11 = 15 × 3 = 45, कोई दिक्कत, 8 × 5 = क्या हो जाएगा, बोलिए 8 × 5 = घटाइए कितना हो जाएगा, बोलिए 34 हो जाएगा, तो 22 = कितना हो जाएगा बताइए, तो 34/8 कीजिए 4.25, कोई दिक्कत आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, 61 नंबर बनाइए। बोला गया जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, चलिए 89 × 3 कर दीजिए, ठीक है, आइए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये तो सिंपली जोड़ घटाव था, इसको तो बच्चा बच्चा बना देगा अब। चलिए बोला गया जेम्स मैथ प्लस गणित, मैं गणित देखी नहीं जी, हाँ
मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री 89 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए 267। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या दिया गया है? यदि उसको भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए तो औसत हो जाता है 88.25। मतलब कि 4 विषय का औसत कितना है 88.25। कोई दिक्कत? तो इसका योग निकालिए, 88.25 गुने 4 कीजिए कितना हो जाएगा बोलिए 353। तो यहाँ पर 3 विषय था, इसमें भाषा जुड़ गया, मतलब भाषा जुड़ गया। कोई दिक्कत? हमको भाषा का मान निकालना है सिर्फ, तो इसमें से ये घटा देंगे 353 माइनस कितना आ जाएगा बोलिए 267। बोलिए कितना आएगा, घटा के देखिए आप लोग, बोलिए कितना आएगा। ऑप्शन नंबर 86 किस ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, सही जवाब वही होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कहीं भी कोई दिक्कत है किसी प्रकार का भी इस क्वेश्चन में तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, 3 विषय का मैथ फिजिक्स हिस्ट्री का मान दिया हुआ था 89 औसत अंक था, तीनों का योग निकाले 267 हो गया। बोला गया यदि एक विषय और भाषा शामिल हो जाता है तो उसका औसत अंक 88.25 हो जाता है। तो 4 विषय का 88.25 है तो गुना कर देंगे योग निकालने के लिए तो 353 हो जाएगा। हमको सिर्फ भाषा का निकालना है तो 4 में से 3 वाला घटा देंगे तो भाषा का निकल जाएगा। ठीक है, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। देखिए भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग कोई वीडियो को लाइक या शेयर नहीं कर रहे हैं, कैसा लगेगा बताइए। मैं तो किसी से फीस नहीं लिया हूँ आज तक, ना मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर पीछे गणित क्लासेस लिखवा दूंगा। चलिए 62 नंबर देखिएगा। अंकिता 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत को कोने पर खड़ी है। यदि अंकित केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो अंकित द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई बताइए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसमें जान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, समझिएगा। ठीक है, चलिए, एक आयतकार प्लॉट है, ऐसे है, कोई दिक्कत? ये हो गया इसका विकर्ण, दिख रहा विकर्ण है। नाम क्या है बाबू लड़की का? अंकिता। अंकिता एक बच्ची है, ठीक है, यहां पे खड़ा है कॉर्नर पे। ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मान आप लोग का दिया हुआ है 30 मीटर और इसका मान दिया हुआ है 40 मीटर। हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5, तो इसका मान हो जाएगा 50। कोई दिक्कत? एक बार लड़की यहां से दौड़ना स्टार्ट की, ऐसे ऐसे दौड़ कर आई, यहां तक आ गई, कोई दिक्कत है? फिर यही लड़की फिर यहां से कॉर्नर से वापस चली गई। इसे एक बार तो 50 इतना दूरी यहां तक की, फिर एक बार 50 तक की, टोटल दूरी कितना हो गया अंकिता द्वारा बताइए। बोलिएगा 50 + 50 = 100। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में बताइए, समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं उसको प्रॉब्लम को दूर करूंगा, समझाऊंगा और बेटर से। बोलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर। बोला गया 2 घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 375 है। जब संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए, जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। चलिए बनाइए, कैसे बनेगा? बताइए, सॉल्व कीजिए आप लोग, बनाइए।
बोले क्या होगा? इसका आंसर सिंपली कितना है जो बताइए हमको। देखिए एक तो ट्रिक है कि 5 और 3 दिया हुआ है, दोनों को गुणन कर दीजिए कितना हो जाएगा। 5 दिया 15 = 375, यानी कि 375/15 कर देंगे, इसी का मान दिया हुआ गुणनफल हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 375। और दूसरा मेथड से आप जाना चाहते हैं, दूसरा मेथड जाने के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स गुने बाई बराबर 375 है, ठीक है। तो बोला गया क्या, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर 5/3 को यदि भाग देते हैं, कोई दिक्कत है, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, 5/3। देखिए आप बताइए क्या हो जाएगा, सेम चीज आ रहा है, देखिए तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 5, y का मान आ रहा है 3, कोई दिक्कत यहां तक, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बताइए यहां तक किसी को दिक्कत जो बताइए। उसके बाद क्या कीजिएगा, बोला गया है 2 घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है जो बताइए, बोलिए पढ़िए आप लोग कितना दिया हुआ है, 3, 7, 5, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बोलिए गुणनफल दिया हुआ है बहुत बड़ा जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा बताइए, 2 स्क्वायर = 375 × क्या लिखिएगा, गुने 3/5, कोई दिक्कत, शेष बच रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, शेष बचता है ना कि कुछ और बच रहा है, यहाँ से काटिएगा कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ हो जाएगा 75 बार भी कटेगा तो 2 स्क्वायर = 75 × 3 इक्वल टू बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, कोई दिक्कत। बाई इक्वल टू जब 15 आ गया तो x का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जो बताइए। बोलिए x का मान निकालने के लिए y का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, बोलिए y का मान कितना है, 15, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 15 × 75/3, यानी कि हो जाएगा 25। यहाँ भी सेम चीज आया, समझे, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आएगा 64 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा भाई साहब, 64 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस खाली घुमा हुआ है, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, बोला गया पूरा खेल तो 3 और 5 का था भाई उस क्वेश्चन में, ठीक है, 15/20 एकदम भिन्न को चुने, कौन सा भिन्न है बताइए, (12, 44, 12, 25, 60) देखिए 15/20 है, कोई दिक्कत भैया, क्या क्या आ रहा है, ठीक है 15/20 है, 48/60 है, और क्या
21 बटा 28 है और क्या दिया हुआ 75 बटा 100 दिया हुआ है। यहाँ काटेंगे 25 दिया 75 25 और 100 7 का है 728 ठीक है 5 दिया 15 5 और 20 कोई दिक्कत देखिए तो सब कट के समान आ रहा है बट ये आ जाएगा 12 चौ 48 12 25 60 आंसर हो जाएगा 48 बटा 60 बी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर चलिए 64 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया एक मशीन निर्माण का सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च ठीक है बांटा गया है ध्यान से देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट इसमें फंस जाते हैं लोग सबको जोड़कर डिवाइड कर देता है। देखिए क्या दिया गया सामग्री ठीक है रेशियो श्रम रेशियो अतिरिक्त क्या क्या दिया अनुपात 5:3:1 कोई दिक्कत अतिरिक्त खर्च यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च इतना रुपया ठीक है 1:4:9:5:00 अतिरिक्त खर्च एक है पूछा गया क्या मशीन का मूल्य का पता लगाइए ठीक है 5:3:8:1:9 9 से गुना कर दीजिए कितना होगा बोलिए गुना करके बताइए बोलिए 1:4:9:00 गुने 9 कितना हो जाएगा 1:3:4:5:5:00 हो जाएगा 1:3:4:5:5:00 ऑप्शन नंबर जिसमें मैच कर लीजिए आप लोग ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए चलिए 67 नंबर देखिएगा बहुत बड़ा लंझेड़ा है इस क्वेश्चन में 65 नंबर है हाँ 65 नंबर देखिए क्या पूछा गया भाई 66 नंबर यदि उत्तीर्ण प्रतिशतता 41 है तो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए कितना जो बताइए 66 नंबर अनुत्तीर्ण ठीक है अनुत्तीर्ण निकालना हमको कैसे निकलेगा बताइए बताइए जल्दी चलिए इसको सॉल्व कीजिए चलिए विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त अंक दिया हुआ है चलिए इसको आप लोग बना के दिखाइए इसको मैं कल बताऊंगा या फिर बोलिएगा तो बता दूंगा आज ही इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा ठीक है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है यदि विद्यार्थियों का 41% क्वेश्चन बताते हैं ठीक है 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए गए विद्यार्थियों का संख्या बताइए देखिएगा कितना है 41 से 70 के बीच कितना है 26, 18, 11 जो इजी क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ ठीक है जो हार्ड है उसको मैं रहने देता हूँ आज क्योंकि मैं आज खुद थका हुआ लग रहा हूँ पीछे से मतलब आगे से सॉरी भाई थका हुआ हूँ मतलब कुछ भी बोला गया 41% से 70% के बीच 41% से लेकर 70% के बीच कितना है बोलिए बोलेगा 26 है 18 है प्लस 11 कोई दिक्कत बताइए बोलिए कहीं कुछ छूट रहा है क्वेश्चन में
दर्शाया गया जिनमें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, कहीं तो कुछ छूट रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक है छोटे, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा, बाद में देख लेंगे हम। नहीं तो टोटल आप जोड़िए तो टोटल विद्यार्थी कितना आ रहा है जोड़कर, देखिए तो टोटल विद्यार्थी प्रतिशत पूछा गया, 5 + 9 + 16 + 22 + 18 + 11 + 6 + 4 + 3। ठीक है, टोटल हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 120 है, आ जाएगा कितना परसेंट बताइए, 45.83%। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 68 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार निकलेगा कितने विद्यार्थी 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, टोटल विद्यार्थी 120 हो गया, कोई दिक्कत, 80% से ज़्यादा कितना विद्यार्थी है बताइए, 4 और 3 7, 7/120 × 100। ठीक है, यहाँ काटिएगा 100 × 106 × 12 × 5 × 10, 7 × 5 = 35/6, यानी कि 6 पॉइंट से ज़्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब 5.83%। एक क्वेश्चन आप उसको रहने दीजिए, 41 हो तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशतता 41 है। ठीक है, मान लिए 41 उत्तीर्ण प्रतिशतता है, ठीक है, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, चलिए बताइए, 26 + 18 + 11 + 6 + 4 + 3, टोटल विद्यार्थी कितना हो रहा है उत्तीर्ण, क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा, देख लेंगे मैं। 69 नंबर बताइए, बनाइए, चलिए, एक रहने वाले प्लॉट फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% वृद्धि हो जाती है, वर्तमान मूल्य कितना है, 6 लाख कितना है, 60 लाख है, 60 लाख रुपये 2 साल बाद कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, 15% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, इसको बनाइए कैसे होगा, सक्सेसिव लगा दीजिए चाहिएगा तो, आइए इतना दिया हुआ है, ठीक है, 3 2 5 1 6, मतलब कि कितना 20 से हो रहा है, कितना 23, फिर हो जाएगा 23, हो जाएगा 20, 100 200 100 200, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 200 तो यहाँ हो जाएगा कितना 25, 625, समझे, गुना कीजिए आप लोग कितना आएगा देखिए, तो चलिए गुना करके बताइए हमको कितना आएगा, 600 × 25 × 23 × 23, 7935000, ठीक है, 7935000, कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बोलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 70 नंबर बनाइए, 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कोई जान नहीं है जो आप लोग के लिए हार्ड रहे, क्या बोला गया देखिए क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर छूटा है बताइएगा, 61 या 63 नंबर को छूटा है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, 0.000825 यहाँ हो गया कितना, 0.05 मतलब जितना अंक बाद पॉइंट है उतना अंक, दो अंक घट जाएगा। ठीक है, 3 3 6 मतलब कि 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है बोलिए बोलिए, ऐसा देखिए 2 पॉइंट नीचे है ना छोटे, तो 2 पॉइंट ऊपर घट जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट ऊपर घट जाएगा, मतलब ऊपर 6 पॉइंट है तो हो जाएगा 4 पॉइंट। यहां देखिएगा 16 5 80, ठीक है, और हो जाएगा क्या 5 5 25, मतलब कि 0.000 क्या होगा 2 0 165, 4 अंक 3 अंक तो यहाँ हो गया छोटे, 165 ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए समझे, हो गया कितना, ऑप्शन नंबर हो गया कौन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए बोला गया है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कोई दिक्कत, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए कैसे बनेगा आप लोग बताइए हमको। देखिए कोसेक थीटा को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by sin थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1 by sin थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा दिया हुआ है, tan थीटा को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, कोई दिक्कत, ये जो cos थीटा है नीचे से जाके ऊपर हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा क्या, cos थीटा से cos थीटा चल गया, sin थीटा से sin थीटा चल गया, बच गया मान क्या, एक, मेरा सही आंसर एक हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक किसका मान आता है, cos 90 का या sin 90 का मान एक आता है, जो बोलिए, cos 90 का मान होता है एक या sin 90 का, चलिए देखिएगा किसका मान 1 आता है आप लोग बताइए हमको। ठीक है, मान किसका 1 आता है आप लोग, जिसका मान 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए कॉसेक थीटा 1 by sin थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा नीचे को ऊपर चला गया, ऊपर कॉस थीटा कट गया। चलिए ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, इसमें दरअसल मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप 45 या क्या कौन सा पुट कीजिएगा, देखिए पुट करके देखिए ना, चलिए 45 पुट करके देखिए क्या होता है, कौशिक 45 आइए देखते हैं, इस जगह दिख रहा है कॉसेक 45 हो जाएगा √2 टेन 45 इंटू 1 बटा कॉस 45 1 by √2, देखिए तो √2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा क्या, यहाँ 2 आ रहा है, 2 किस में आ रहा है बताइए हमको आप, 2 किस में आ रहा है, 2 किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आएगा 2, समझे, 2 किसी में आएगा या नहीं आएगा जो बोलिए, बोलिएगा हाँ जी आ रहा है, देखिए 1 by sin² थीटा, तो 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 by √2 यानी कि 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा आंसर कौन सा, आंसर नंबर बी आप लोग का सही जवाब है, बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जवाब है या फिर सी सही जवाब है, जो बोलिए बताइए।
कहीं कहीं दिक्कत करते हैं क्या, कहीं लिखे तो पता नहीं चल रहा है हमको, आप लोग का देखिए आप लोग कहीं दिख रहा है तो एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है। जानते हैं जब बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना तो दिखता ही नहीं है अपने ही, जब दूसरे को बताते हैं तब पता चलता है कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। cos थीटा एक सेकेंड, एक सेकेंड, लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, छोटे जरा सुन। ठीक है अब बोलिए, देखिएगा ध्यान से, कॉसेक थीटा हो जाएगा क्या 1/sin θ, ठीक है सर। उसके बाद क्या है tan थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई है कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मतलब क्या होगा, चलिए बताइए, डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos θ, यहां से ये कट गया हो जाएगा क्या, बोलिए 1/cos²θ। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, बिल्कुल सही है। चलिए यही गलती हो रहा, देखिए वहां पे हम ऊपर कर रहे थे ना, समझ रहे हैं, यही गलती था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 72 नंबर बनाइए, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कीजिए। 72 नंबर में क्या दिया हुआ है बोलिए, ए टू दी पावर -2 -1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर -1, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जब लिखा हुआ था ए बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं बोलिए, उसके बाद -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत, -1 फिर क्या लिख सकते हैं बोलिए, चलिए बताइए हमको। डिवाइड बाई ए स्क्वायर -1, कोई दिक्कत, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - a² कोई दिक्कत है तो बोलिए, 1 - a² बटा ए स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 1 - a² बटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर -1, कोई दिक्कत समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। उसके बाद देखिए ये जब ऊपर जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा क्या -a² -1 बटा क्या हो जाएगा बोलिए, a² - a² -1, किन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/a². चलिए ऑप्शन नंबर कितना देखिएगा आप लोग, दिख रहा है कि नहीं कहीं, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, 73 नंबर है, 73 नंबर क्वेश्चन बनाइए, किसी को दिक्कत है बताइए इसमें, यहाँ इसका एलसीएम लिए, इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है 1 - a² फिर बटा ए एलसीएम नीचे रहेगा ना छोटा, इसके बाद बटा ये कर दिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, ये नीचे से ऊपर गया इसलिए माइनस लग गया, बताइए आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है -√18। चलिए इसको बताइएगा क्या होगा, √8 नहीं है, बताओ इतना दिखता भी नहीं है, क्या करो इतना बड़ा चश्मा लगाया फिर भी नहीं दिख रहा। चलिए बोला गया क्या, कैसे इसको तोड़िए बताइए, यहाँ हो जाएगा 5√2
प्लस टू रूट सेवन माइनस टू रूट टू, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहाँ 28 नहीं है छोटे, यहाँ 18 है समझे, यहाँ हो जाएगा क्या 3√2, 5 3 8, 8 में से 2 गया कितना 6 6√2, मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। चलिए आप लोग का अच्छा हुआ आज नहीं ख़त्म हुआ आज का सेवा समाप्त। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कल चलेगा आप लोग का सेट 4, मतलब आज सेट 3 था, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ख़त्म है आज का, इतना ही है, थैंक यू। चलिए।